हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अपना चैनल 1K सब्सक्राइबर अचीव कर चुका है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो गाइस, आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था। आप लोग ने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया और मेरे को मोटिवेशन भी दिया। बहुत सारे लोग ने कमेंट करके, एवरी वीडियो में कमेंट करके मोटिवेट करते हैं, तो उन सभी को थैंक यू वेरी मच गाइज। तो गाइज, मैं आज आपके लिए एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जो डेली चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। यानी कि अपने को रोज मार्केट देखने की आपको जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक करता है, मैं आपको अभी चार्ट पे समझाऊंगा इंडिकेटर के साथ कौन से इंडिकेटर अपने यूज करेंगे इस स्ट्रेटजी में। तो ये स्ट्रेटजी को आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो, बाय ऑन डिप भी बोल सकते हो। यानी कि कोई अच्छा मोमेंटम स्टॉक होता है, वो सीधे सीधा ऊपर नहीं चला जाता, वो थोड़ा नीचे आता है, जिगजैग मूवमेंट में ऊपर जाता है, तो तब अपने बाय ऑन डिप में यूज करेंगे। ताकि उससे क्या होगा कि अपना रिस्क कम हो जाएगा और रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसको आप ट्रेंड फॉलोइंग भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं आपको अभी चार्ट पे समझाऊंगा कि अपने को प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। तो अभी अपने चार्ट पे सीधा चलते हैं गाइस, और आपको मैं अभी पहले चार्ट ओपन करता हूँ। मैं जीरोधा का यूज करता हूँ, तो आप ध्यान में लेके चल सकते हो, जीरोधा का काइट है। तो चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, स्टॉक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, टिन प्लेट है। टिन प्लेट का चार्ट ओपन करके रखा है। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे वो आपको सेटअप में समझाऊंगा। तो पहला इंडिकेटर आपको यूज करना है गाइस, जिसका नाम रहेगा सुपर ट्रेंड। आपको सुपर ट्रेंड यूज करना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके जो वैल्यू आती है वो आपको यूज नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो 7 और 3 की आती है। तो सुपर ट्रेंड अपने को कितना करना है, पीरियड तो साथ ही रखना है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है ना, वो 3 की जगह आपको 1.5 कर देना है। तो पहला इंडिकेटर अपना हो गया है सुपर ट्रेंड। अभी दूसरा इंडिकेटर जो मैं सबसे ज्यादा इस पे भरोसा करता हूँ, विलियम्स आर पे। विलियम्स आर यूज करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कौन सी, अभी बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो 14 की वैल्यू आएगी। विलियम्स आर अपने करेंगे 100 की वैल्यू, और यहाँ पे ओवरबॉट वैल्यू तो -20 वो सब तो सेम रहेगा, लेकिन विलियम्स आर 100 यूज करेंगे अपने। तो ये दूसरा अपना इंडिकेटर हो गया। अभी तीसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है सेम रहेगा विलियम्स आर, लेकिन यहाँ पे जैसे 100 यूज किया, यहाँ पे आपको पीरियड 14 की जगह 5 यूज करना है, 5। तो ये हो गया अपना सेटअप रेडी। तो कौन से इंडिकेटर यूज किया, सुपर ट्रेंड किया उसको चेंज किया 7 और 1.5 किया, दूसरा इंडिकेटर विलियम्स आर किया लेकिन उसकी वैल्यू 100 रखी, और तीसरा भी विलियम्स आर रखा लेकिन उसकी वैल्यू 5 रखी, यानी कि 5 रखी। तो ये 3 इंडिकेटर अपने यूज करेंगे। अभी आपको मैं रूल समझा देता हूँ कि कब बाय करना है। देखो, जब भी सुपर ट्रेंड ए वाला विलियम्स आर 100 में बोलूंगा, और इसको बोलूंगा विलियम्स आर 5। तो विलियम्स आर 100 -20 के ऊपर होना चाहिए। ये वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो लाइन है वो -20 के ऊपर है, यानी कि जो ग्रे कलर का है वो -20 के ऊपर है। तो अपने को सिर्फ वही स्टॉक देखना है, डेली चार्ट ओपन करके रखा है। आप यहाँ पे देखोगे डेली चार्ट ओपन करके रखा है, तो इसकी वैल्यू -20 के ऊपर होनी चाहिए अपने को, तभी स्टॉक को देखना है, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। देखो -20 के ऊपर है। तो पहला रीजन, मतलब पहला मिल गया कि अपने को कब कब स्टॉक को देखना है। जब भी -20 के ऊपर विलियम्स आर 100 की वैल्यू होती है तभी स्टॉक को देखना है। दूसरा ये इंडिकेटर बाय ऑन डिप करना है, यानी कि अपने को स्टॉक को क्या करना है, नीचे की साइड आए तब बाय करना है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक यहाँ से आप देखो -20 इतना एरिया में चला गया था। तो अभी अपने को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे स्टॉक को बाय करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो विलियम्स आर 5 है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। उसको आपको देखना है कि जब भी उसकी वैल्यू -80 आती है, जैसे इसकी -20 के ऊपर होनी चाहिए तो इसकी उल्टा होनी चाहिए, -80 आना चाहिए नीचे की साइड, तभी अपने स्विंग काउंट करेंगे। यानी कि स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम है, लेकिन वो डीप मार के ऊपर जा रहा है, यानी कि नीचे जाके ऊपर जा रहा है, तभी अपने स्टॉक को बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना। तो आप देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो स्टॉक यहाँ से तो ऊपर जा ही रहा था, लेकिन अपने को कब बाय करना है, यहाँ पे डीप जब मारे, वो डीप कैसे पता चलेगा, इसकी वैल्यू देखो -80 आ रही है, तो आपको यहाँ पे -80 आएगा तभी बाय करना है। यानी कि
और सुपर ट्रेंड ऐसे ही ऊपर ग्रीन में ही होना चाहिए, सुपर ट्रेंड अगर रेड में आ जाता है तो भी अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो आपको मैं अभी समझाता हूँ, देखो विलियम्स आर 5 की वैल्यू -80 आया, ये इसकी वैल्यू -20 में ही है, यानी अपने स्टॉक का स्विंग मिल गया है कि कहाँ पे अपने को बाय करना है। अभी आपको देखना है कि जो कैंडल -80 आई थी वो कैंडल के हाई के ऊपर अपने क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, यानी कि कौन सी कैंडल थी यहाँ पे देखोगे तो कौन सी तारीख आई थी, 25 मार्च को आई थी -80 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो ये -80 कब आया था, ये कैंडल जो रेड कैंडल है वहां पे आया था, उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट डे बाय करना है। तो आप देखोगे तो उसके हाई नेक्स्ट डे ब्रेक हुआ नहीं हुआ, तो अभी क्या करना है, ये नेक्स्ट डे इसके हाई के ऊपर बाय करने का ट्राई करने का, यानी कि अपने को क्या करना है, जो -80 आया था उसके हाई के ऊपर बाय करने का ट्राई करना है। अगर बाय नहीं होता दूसरे दिन तो आपको दूसरे दिन वेट करना है, उसके फिर वो कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर वो दिन का हाई जो होता है उसके ऊपर अपने बाय करेंगे। तो ये ध्यान में लेके चल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, यहाँ पे -80 आई थी 25 मार्च को। आप नीचे देखोगे 25 मार्च को नीचे देखोगे तो -80 आई थी, उसका हाई कितना था, यहाँ पे ऊपर देखोगे, यहाँ पे कर्सर में बता रहा हूँ वहां पे आएगा हाई, देखो 394.85 था, तो दूसरे दिन उसने 393.95 का हाई मारा, यानी कि क्रॉस नहीं हुआ। तो अभी क्या करेंगे, अपना ये हाई के ऊपर बाय करने का ट्राई करेंगे, 393.95 यानी कि 394 पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, और रिसेंटली जो लो लगता है वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो रिसेंटली लो कौन सा है, ज्यादा वाला लो, इसमें एक कैंडल का लो देखोगे तो 380.3 है और एक कैंडल का लो देखोगे तो 372.5 है, तो अपना स्टॉप लॉस कौन सा हो गया, एक कैंडल का, और हाई एक कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 394 के ऊपर आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यही वाला हो जाएगा, अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो आपको 390 जो भी इसका जो स्टॉप लॉस था 372 करीब, तो वहां पे आपको एग्जिट करना है। अभी आपको एंट्री तो कर लिया है यहाँ पे, अभी एग्जिट कैसे करना है, तो ये तब आपको सुपर ट्रेंड फॉलो करना है, जब तक सुपर ट्रेंड ना बोले तब तक एग्जिट नहीं करना है, या तो अपने बाइंग लेवल से 15% रिटर्न मिलता है तब आप जाके एग्जिट कर सकते हो। तो एग्जिट का क्राइटेरिया कौन सा है, या तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा तब एग्जिट करना है, या तो 15% मिलेगा तब एग्जिट करना है, या तो सुपर ट्रेंड बोलेगा कि समझो कि सुपर ट्रेंड यहाँ पे क्लोज देता है तब एग्जिट करना है। तीन में से जो भी पहले आता है, अगर स्टॉप लॉस हो जाता हो तो एग्जिट करो, 15% मिलता है तो एग्जिट करो, या तो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज देता है तो एग्जिट करो। तो गाइस ये पहली बार था इसलिए थोड़ा डीपली में बताया। तो आप देख सकते हो टिन प्लेट में अपना बाइंग सिग्नल आया था, कब बाइंग सिग्नल आया था, 394 के ऊपर बाइंग सिग्नल आया था, और अभी स्टॉक कितना चल रहा है, 426-428 के करीब चल रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना रिटर्न मिला, यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है गाइस इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि आपको 2-3% का स्टॉप लॉस आएगा तो सामने रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा आ सकता है। तो आप पर ट्रेड के हिसाब से भी रिस्क डिसाइड कर सकते हो कि पर ट्रेड में मेरे को 2000 का ही लॉस लेना है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हो, और आप 2000 लॉस ले रहे हो तो आपको 6000 का प्रॉफिट लेना है, या तो 15% प्रॉफिट आता है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। गाइज मेरा काम है आपको स्ट्रेटजी बताना, उसके बाद आपको अपने हिसाब से भी स्टडी करना पड़ेगा, और आपके मैच होता है कि हाँ ठीक लग रहा है मेरे को तो भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि मैंने जितनी सारी स्ट्रेटजी बताई सब पे आप काम करोगे, सारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से ही काम करती है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ के रखनी पड़ेगी और उसमें बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। छोटे अमाउंट से करो, पहले 10-20 ट्रेड करो, उसके बाद आपको लगता है कि अच्छे से काम कर रही है तो थोड़े बड़े अमाउंट से भी कर सकते हो। तो गाइज अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो पहला स्टॉक का आपको बता दिया कि ऐसे बाय करना है। अभी देखो रिसेंटली आईटीसी में भी ऐसा सिग्नल आया था, तो अपने को पहला क्या देखना है, विलियम्स आर 100 की वैल्यू -20 के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो -20 के ऊपर है, पहला क्राइटेरिया हो गया। अभी विलियम्स आर 5 है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -80 आनी चाहिए, यानी कि डीप मारना चाहिए। तो यहाँ पे डीप भी मारा है और सुपर ट्रेंड की भी परफेक्ट जा रहा है, देखो सुपर ट्रेंड ग्रीन में ही है। तो ये अपने को बाइंग सिग्नल मिल गया, कहाँ पे मिला, तो आपको देखना है कि विलियम्स आर 5 की वैल्यू -80 कौन से कैंडल पे कौन सी डेट पे आया। तो देखो कि तो यहाँ पे दो दिन आया था, दो दिन क्लोज दिया था, एक 30 मार्च को भी उसने नीचे क्लोज दिया था
और दूसरा 31 मार्च को भी नीचे क्लोज दिया था। यानी कि आप देखोगे ध्यान से तो एक कैंडल को भी विलियम्स आर की वैल्यू -80 थी यहाँ पे देखोगे तो दो दिन। फिर आपको क्या करना है, इसके हाई के ऊपर बाय लगाना नेक्स्ट डे, अगर क्रॉस नहीं हुआ तो फिर इसके हाई के ऊपर बाय करना है। तो देखो यहाँ पे तो बाय नहीं हुआ, लेकिन एक कैंडल का हाई ब्रेक करके ये वाली कैंडल ने क्या किया, ऊपर ब्रेक करके ऊपर चला गया। और यहाँ पे तो फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पे सपोज एक कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय किया तो उसका जो भी रिसेंट आपको स्टॉप लॉस लो ढूंढना है कौन से कैंडल ने बनाया है, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ITC अगर आप बाय करते तो कौन से लेवल पे बाय करते, 31 मार्च को 254.35 के हाई के ऊपर आपको बाय करना था 1 अप्रैल के लिए, क्योंकि इसके हाई के ऊपर तो गया नहीं था, इसके हाई के ऊपर दूसरे दिन चला गया था 1 अप्रैल को। तो आपने समझो कि 354.35 है तो आप 254.35 है तो आप 255 पे भी ITC बाय करते और ट्रेंड फॉलोइंग मतलब हिसाब से अभी 269 जितना चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है, अगर आपका लॉस आता तो 248 का स्टॉप लॉस था, यानी कि ₹7 का आपका लॉस आता, और सामने रिवॉर्ड देखो अभी 269 चल रहा है और अभी भी ऊपर जा सकता है। या तो आपको क्या करना है, 15% मिले तब एग्जिट करना है। तो आपको कैलकुलेशन कर देना है कि 255 प्लस 15% जितना भी आता है वो प्राइस पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया ITC में। तो गाइज ऐसे बहुत अच्छे से ये स्ट्रेटेजी काम करती है, लेकिन क्या है आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्ट्रेटेजी तो सारी काम करती है, लेकिन आप क्या करते हो, दो चार बार ये स्ट्रेटेजी देखोगे उसके बाद ये वाली देखोगे। देखो अभी तीसरा स्टॉक मैं बता रहा हूँ, इसमें भी अच्छा सिग्नल आया था, स्टॉक का नाम है GAEL। GAEL में भी आप देखोगे विलियम सर की वैल्यू देखो -20 के ऊपर थी, अपने को पता चल गया। अभी विलियम सर फाइव की वैल्यू -80 ढूंढनी है तो यहाँ पे -80 आया था, करीब एक कैंडल थी, तो एक कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय लगा सकते थे और एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो देखो तीन दिन में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो एक कैंडल के हाई के ऊपर था तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। यानी कि यहाँ पे आया था 6 अप्रैल को बाय आया था, 6 अप्रैल की डिसीजन कैंडल थी और आप 7 अप्रैल को बाय कर सकते थे। तो 6 अप्रैल को कितना हाई था, 265.6 का था, तो 266 पे आप स्टॉक को बाय कर सकते थे और लो कितना था 248.25, यानी कि 248 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते थे। तो 266 से स्टॉक ने हाई कितना मारा, तीन दिन में 329 का हाई मारा। तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हाई मतलब रिटर्न आपको मिला। तो गाइज ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से मोमेंटम के साथ आपको मतलब रिटर्न देती है, तो आप डिसिप्लिन के साथ इसको ट्रेड करोगे तो इसमें आराम से पैसे कमा सकते हो। देखो अभी एक स्टॉक है जिसका नाम है SRF। SRF में अभी सिग्नल आया नहीं है, लेकिन आज के दिन आ गया सिग्नल। देखोगे तो यहाँ पे देखो -20 है, आज का दिन आप देख सकते हो 13 अप्रैल 2022 है। तो अभी तो दो दिन मार्केट में छुट्टी है, तो जब भी आप 18 तारीख को मार्केट खुलेगा तो आपको SRF बाय कर सकते हो, क्योंकि अपने को सिग्नल मिल चुका है। इसकी वैल्यू देखो -20 के ऊपर है और विलियम सर फाइव की वैल्यू -80 आ चुका है। तो अपने को डिसीजन कैंडल मिल गया कि ये डिसीजन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर अगर जाता है तो आपको बाय करना है, सुपर ट्रेंड भी ब्रेक करना नहीं चाहिए। तो ऐसे ओपन होता है और ऐसे जाता है तो इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो और जो लो बना है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद आपको रूल्स फॉलो करने, 15% आए तब एग्जिट करना है, या तो स्टॉप लॉस हो जाए तब एग्जिट करना है, या तो ट्रेंड फॉलोइंग करोगे तो सुपर ट्रेंड के नीचे जब भी क्लोज दे तो आपको एग्जिट करना है। तो SRF में भी ऐसा सिग्नल आया था। अभी गाइज उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ GNFC। गाइज थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, अगर आप डीपली देखोगे आराम से देखोगे तो ही समझ में आएगा। GNFC में देखो यहाँ से मोमेंटम स्टॉक आया था, क्योंकि ये देखो -20 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू और दूसरी विलियम सर फाइव की वैल्यू देखो यहाँ पे -80 आया था, यानी कि एक कैंडल डिसीजन कैंडल हो गई, उसके ऊपर बाय था और आज बाय कॉल भी एक्टिव हो गया, यानी कि 13 तारीख को बाय सिग्नल मिल गया। अगर किसी ने बाय नहीं किया तो बाय कर सकते हो,
क्योंकि उसके पीछे का रीजन देखो, एक कैंडल अपना डिसीजन कैंडल हो गया, इसके ऊपर बाय कर सकते हो तो कितना है, 870 है। क्योंकि देखो एक्चुअली -80 कब आया था, ये जो रेड कैंडल बनी है वहां पे आया था, लेकिन रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया था, नहीं किया था। अभी देखो दूसरे दिन इसका हाई ब्रेक किया, तो अपने को फॉलो करना है जो भी ट्रेंड है, मतलब कैंडल का हाई ब्रेक करे तभी बाय करना है। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो ये वेट किया, अभी इसका ब्रेक किया तो अपने यहाँ पे एंट्री मारा, और जो लो बना है वो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है तो आपको रूल्स फॉलो करने, या तो स्टॉप लॉस हो जाए तब एग्जिट करना है, या तो 15% मिले तब एग्जिट करना है। तो आपको GNFC में बाय कॉल मिल चुका है, कौन से 870 के ऊपर बाय था, यानी कि 871 पे। तो आज देखो स्टॉक ने 876 का हाई मारा था 13 अप्रैल को, तो आज बाय सिग्नल मिल चुका है। और स्टॉप लॉस कौन सा आएगा, स्टॉप लॉस आएगा ए वाला 833.85, यानी कि 8833 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी आप सोचोगे कि स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा है तो पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहते हो उसके हिसाब से क्वांटिटी सेट कर सकते हो। अगर 5,000 रिस्क लेना चाहते हो तो जो भी बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस का डिफरेंस है वो उनके बीच का, तो 5,000 डिवाइड बाय वो करोगे तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये GNFC हो गया, बाइंग सिग्नल में आएगा। उसके अलावा अभी जो आने वाले दिनों में आ सकता है ऐसा आपको स्टॉक बता रहा हूँ, जिसका नाम है दामपुर शुगर। दामपुर शुगर में अभी आया नहीं है, अभी आ चुका है, लेकिन आपको अभी बाय नहीं करना, कॉल एक्टिव नहीं हुआ। दामपुर शुगर यहाँ पे देखोगे तो -20 के ऊपर था, विलियम्स आर 100 की वैल्यू, यहाँ पे देखोगे तो -80 भी आया था यहाँ कहीं, तो इसके हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाय करते, तो इसके हाई के ऊपर बाय नहीं हुआ तो दूसरे दिन का हाई है उसके ऊपर बाय कर सकते थे, तो कॉल अपना एक्टिव ही और उसका जो ये स्टॉप लॉस हो गया। ये तो हो गया पुरानी बात, अभी फिर से उसमें सिग्नल आया है देखोगे तो यहाँ पे -80 आ चुका है, यानी कि एक कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना था लेकिन ये दूसरे दिन गया नहीं, अभी यहाँ पे भी गया नहीं। अभी ये जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो अगर जाता है तो, और जो लो बना है वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आपको 15% लेना है, या तो ट्रेंड फॉलोइंग करना है, या तो स्टॉप लॉस हो जाए तब एग्जिट करना है। तो ये हो गया दामपुर शुगर में, सिग्नल आ सकता है मंडे के दिन, आप ध्यान में लेके चल सकते हो। ऐसा ही सेम स्टॉक दूसरा भी है जिसका नाम है द्वारकेश, उसमें भी सिग्नल आ सकता है। देखो उसके पीछे का भी रीजन मैं बताता हूँ, देखो इसकी वैल्यू -20 के ऊपर है, विलियम्स आर 100 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू -80 आ चुकी है, यानी कि एक कैंडल आप देखोगे तो -80 आई है, तो एक कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है, और जो लो रिसेंटली मारा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आपको 15% लेना है, या तो सुपर ट्रेंड फॉलो करना है, या तो स्टॉप लॉस हो जाता है तब एग्जिट करना है। तीनों में से जो पहले आता है वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। अभी गाइज मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल भी बताता हूँ, क्योंकि ये तो सारे टारगेट अचीव होते हैं ऐसे बनाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, स्टॉप लॉस भी होते हैं। देखो मैं आपको एक स्टॉप लॉस वाला भी बताता हूँ, स्टॉप लॉस भी होते हैं तो आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू -20 थी, और विलियम्स आर 5 की वैल्यू -80 यहाँ पे आई थी, यानी कि कौन सा कैंडल, एक कैंडल करीब होगा, तो इसके हाई के ऊपर बाय किया, दूसरे दिन बाय कॉल एक्टिव हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, स्टॉक बैक टू बैक नीचे चला गया, और अपना जो रिसेंट लो मारा था वो अपना ट्रिगर भी हो गया। तो आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी होते रहते हैं। अभी यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू -20 यहाँ तक ही थी, लेकिन ये कहाँ पे आया, -80 आया, लेकिन तब आप देखोगे ध्यान से तो ये वैल्यू -80 -20 के नीचे चली गई, तो वो इनवैलिड सेटअप हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि विलियम्स आर 100 की वैल्यू -20 के ऊपर ऐसी होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी ऐसी नीचे आती है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, तो आपको ऐसे ध्यान में लेना ही नहीं है। ये देखो नीचे आ गया तो ये लेना ही नहीं है, ये देखो नीचे आ गया तो लेना ही नहीं है, ऐसे आपको लेना ही नहीं है। जब भी -20 के ऊपर ही होनी चाहिए तभी आपको सिग्नल मिलेगा और वैलिड सेटअप काउंट होगा। तो गाइज ये हो गया अपना स्विंग ट्रेडिंग, जो डेली चार्ट में भी कर सकते हो, वीकली चार्ट में भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको डेली चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा,
अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको वीकली चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा। तो गाइज आज के लिए इतने था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो गाइज। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।